वेलकम SYBS स्टूडेंट। अगेन वी टेक सम एक्स्ट्रा एग्जांपल, लेट fxy इज इक्वल टू xy इंटू x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², फिर xy इज नॉट इक्वल टू 0 0। फिर एफ 0 0 इज इक्वल टू 0 यार, शो दैट इक्वेलिटी डज नॉट होल्ड एट ओरिजिन। हियर एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0, इट इज गिवन एफ ऑफ एच 0 इज इक्वल टू 0। सपोज वी टेक हियर के इज 0, देयरफॉर एच इंटू 0 इज 0, 0 इंटू दिस टोटल expression is 0. Here h is 0, 0 into k is 0, 0 into this 0, therefore f of h 0 is equal to 0, f of 0 k is equal to 0, and f of h k is equal to h k into h square minus k square upon h square plus k square. But definition of सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, लेट एफ ऑफ वाई एक्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स 0 के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 0 अपॉन के। एफ ऑफ एक्स एट ओरिजिन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, we know that f of h 0 is 0, f of h 0 is 0, f of 0 0 is 0, 0 minus 0 upon h, that is 0, and limit of 0 is 0, 0 is constant with respect to the limit. Suppose this is equation 1, f of x, first order partial derivative with respect to x at point 0 k is equal to limit h tends to 0, f of h k minus f of 0 k upon h. Limit h tends to 0, f of h k is h k h square minus k square upon h square plus k square minus, we know that f of 0 k is 0 upon h. This h and this h get cancelled. Limit h tends to 0, k into h square minus k square upon h square plus k square. Take a limit k into 0 minus k square, 0 plus k square. K square, k square get cancelled. We write directly minus k. Here the negative sign. Therefore, first order partial derivative with respect to x at 0 k is equal to minus k. Suppose this is equation 2. From equation, one and two. Equation A becomes
एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स जीरो के इज माइनस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स जीरो के इज माइनस के माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो इज जीरो अपॉन के के गेट कैंसल्ड लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो ऑफ माइनस वन इज अगेन माइनस वन देयरफॉर वी राइट डायरेक्टली एफ ऑफ वाई एक्स जीरो जीरो इज इक्वल टू माइनस वन. लिमिट k टेंस टू जीरो ऑफ माइनस वन इज माइनस वन डायरेक्टली. सिमिलरली लेट एफ एक्स वाई एट ओरिजिन इज इक्वल टू लिमिट k टेंस एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वाई एच जीरो माइनस एफ वाई जीरो जीरो अपॉन एच. Sorry for interruption. Let fxy at origin is equal to limit h tends to 0 f of y h 0 minus f of y 0 0 upon h. Now find first f of y 0 0 at origin. Now f of y 0 0 is equal to limit k tends to 0. एफ ऑफ जीरो के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन के. हाउ दिस बिकम बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो. हियर एफ ऑफ जीरो के इज इक्वल टू जीरो. वी नो दैट एफ ऑफ जीरो जीरो इज जीरो देयरफॉर जीरो माइनस जीरो अपॉन के दैट इज जीरो. लिमिट के टेंस टू जीरो ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. एफ ऑफ वाई जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो. Suppose this is equation 3. Next, f of y h is 0. F of y h is 0 is equal to limit k tends to 0. F of h k minus f of 0 0. F of h k minus f of h 0 upon k. लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच के इज एच के इंटू ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. हियर एफ ऑफ एच जीरो इज जीरो अपॉन के. दिस के गेट कैंसल. लिमिट के टेंस टू जीरो एच एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड. एफ ऑफ वाई एच जीरो इज इक्वल टू एच. सपोज दिस इज इक्वेशन. एफ ऑफ एक्स वाई एट ओरिजिन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस जीरो अपॉन एच. दिस एच एज गेट कैंसल. वी गेट वन डायरेक्टली बिकॉज वन इज कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू द लिमिट. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन बी एंड डी एफ ऑफ एक्स वाई जीरो जीरो is not equal to f of y x 0 0. Schwarz theorem. If f y exists in a certain neighborhood of a point a b of the domain of definition of a function f and f of y x is continuous at a b, then f of x y AB exist. Then show that
दिस टू इक्वेलिटीज आर इक्वल. प्रूफ: अंडर द गिवन कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ ऑफ वाई एक्स ऑल एग्जिस्ट इन अ सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी. लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट ऑफ ए नेबरहुड. लेट फाई एच के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी. कंसिडर द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बी प्लस के माइनस एफ एक्स बी. जी ऑफ ए प्लस एच इंस्टेड ऑफ एक्स ईयर ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच बी. एंड जी ए इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी. देयरफॉर हियर जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी. Suppose this is equation 4. From equation 3 and 4, equation 1 becomes. From equation 3 and 4, this equation and this equation. From these two equations, equation 1 becomes. F of A plus HB plus K minus F of A plus HB, this is G of A plus H. And this is minus g of a. From equation 3 and 4, equation 1 becomes, therefore, phi hk is equal to g of a plus h minus g of a. Since fx, it is given, exists in a neighborhood of ab. The function gx is differentiable in open interval a to a plus h. Therefore, by LMVT, we get g of a plus h minus ga is equal to h g dash a plus theta h, where theta between 0 and 1, 0 less than theta less than 1. Phi hk is equal to h g dash a plus theta h. What is this? G of a plus h minus ga, that is phi ehk. We write directly g of a plus h minus g of a is equal to phi hk is equal to h g dash a plus theta h. Differentiating equation 2 with respect to x, we get g dash x is equal to fx x b plus k minus fx x x b at x b. G dash a plus theta h is equal to fx a plus theta h b plus k minus fx a plus theta h b. Suppose this is equation 9. Equation 7 becomes. Here the equation 7. Phi hk is equal to h, here g dash a plus theta h. We substitute here g dash a plus theta h. We get phi hk is equal to h fx a plus theta h b plus k minus fx a plus theta h k. Suppose this is equation 10. Again, since fyx exists in a neighborhood of point ab, the function fx is differentiable with respect to y in open interval b plus k. Therefore, apply Lagrange's mean value theorem for two variables. We get from equation 9,
phi of h k is equal to h f x a plus theta h b plus k minus f x a plus theta h k. Therefore, using apply the LMVT, on this, therefore, k f y x a plus theta h b plus theta dash k. Phi h k is equal to h k f of y x a plus theta h b plus theta dash k. Phi h k upon h k is equal to f y x a plus theta h b plus theta dash k. 0 less than theta dash less than 1. We know that phi h k, that is the expression f of a plus h b plus k minus f of a plus h b minus f of a b plus k plus f of a b. Taking limit as take outside the bracket 1 upon a h, and taking limit k tends to 0 on both sides. Limit k tends to 0, f of a plus h minus f of limit k tends to 0, f of a plus h b plus k minus f of a plus h b upon k minus, separate the limit, limit k tends to 0, f of a b plus k minus f of a b upon k. By definition of first order partial derivative, here a plus h is a fix, therefore here limit k tends to 0, therefore this is first order partial derivative with respect to y, f of y a plus h b minus, by definition of first order partial derivative, f of y a b is equal to, take a limit on right hand side, k tends to 0, b plus 0 is b, f of y x a plus theta h b here is equal to f of y x a plus theta h b here, f of y a plus h b minus f of y a b upon this h is equal to f of y x a plus theta h b, taking limit as h tends to 0 on both sides. Therefore, limit limit of this function, limit h tends to 0 f of y a plus h b minus f of y a b upon h. By definition of second order partial derivative, this equal to f of x by a b. On right hand side, limit k h tends to 0, here a plus 0 is a only, therefore f of y x a b. Therefore, the equality holds. Okay.